हमारे शास्त्रों में कर्मों का सिद्धांत है दोस्तों कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। भारतीय जनता पार्टी अपने ही झूठ के जाल में फंस गई है दोस्तों। आप जानते हैं बीजेपी आईटी सेल यानी कि बीजेपी प्रचार तंत्र सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में बदनाम है। अपने विरोधियों के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर, अपने आलोचकों के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर, पत्रकारों के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर। और आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री के दिए गए एक भाषण का आंशिक अंश जो है वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री को यह कहते हुए दिखाया गया है कि कर्नाटक ने जो पाप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधा अधूरा बयान वायरल किया जा रहा है दोस्तों, और यह बहुत जोरों से वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ और था, मगर उनके भाषण के एक अंश को काट छांट कर पेश किया जा रहा है। गलत है दोस्तों। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, किसी के भी बयान को काट छाट कर पेश नहीं करना चाहिए। मगर आज कर्मों की सजा मिल रही है दोस्तों, क्योंकि यह वही भाजपा आईटी सेल है जो राहुल गांधी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, खुद अभिसार शर्मा के बारे में उनके बयानों को आधा अधूरा पेश करता है, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक झूठ का शिकार हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के कौन से बयान को वायरल किया जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा बयान। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री के कौन से बयान को वायरल किया जा रहा है दोस्तों, सुनते हैं। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए, और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। इस बयान से ऐसे आभास हो रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताना मार रहे हैं कर्नाटक की जनता को, जबकि उनके पूरे बयान को अगर आप सुने तो यह ताना कर्नाटक की जनता पर नहीं है, जबकि यह ताना है कर्नाटक की सरकार पर। प्रधानमंत्री दरअसल ये कह रहे हैं कि भाई किसानों को पहले 10,000 रुपए मिलते थे और केंद्र सरकार एक खास अंश दिया करता था, मगर जैसे ही नई सरकार आई है उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार वाला हिस्सा दिया है, जो उनका अपना योगदान था वो हटा दिया है। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री का पूरा बयान आपकी स्क्रीन पर। लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है। यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये 10,000 रुपये जमा होते थे। कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह ही नहीं है। अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है, यहां के पैसे उन्होंने काट लिए। और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए, और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कभी नहीं कहा कि कर्नाटक वालों ने पाप किया था। मगर आज के मेरे इस शो का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को फैक्ट चेक करना नहीं था, आपके सामने यह तस्वीर पेश नहीं करना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या। आज मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपकी सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। मुसलमानों पर निशाना साधने के चलते उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं है, अल्पसंख्यक का जिक्र है। बात वहां नहीं रुकती, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि एक्सरे मशीन के साथ कांग्रेस आपके घरों में घुस जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी।
सरासर झूठा बयान दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री रुक नहीं रहे हैं, यह गलत बयानी लगातार कर रहे हैं, चुनाव आयोग सोया हुआ है। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। और प्रधानमंत्री इससे पहले बार बार ऐसा करते रहे, याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी का जो बयान जिसके बारे में भाजपा उन्हें अक्सर ट्रोल करती है कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि एक तरफ से आलू निकालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने बयान दिया था दोस्तों, मगर वो हवाला दे रहे थे उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने ऐसा कहा था। मगर यह झूठ भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल्स तक सीमित नहीं था, यह झूठ सिर्फ संबित पात्रा तक सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस झूठ को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले दोहराया था और आज से 5 साल पहले भी उसी झूठ को रख रहे थे जनता के सामने। सुनते हैं। ऐसे भी लोग हमारे देश में है, ऐसे बुद्धिमान ऐसे तेजस्वी लोग है, वो आलू से सोना बनाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना, मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती है। और इसलिए जिसका मन करता है आलू से सोना बनाना, वो जरूर उनके पास चले जाए। हम आपको ये वादा नहीं दे सकते और न ही हम ये वादा निभा सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल सकते जी, हम तो जो कर सकते हैं इतना बताते हैं कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। आज के इस कार्यक्रम का क्या मकसद मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चुनावों में झूठ की कोई जगह नहीं है, आधे अधूरे बयान की कोई जगह नहीं है, अर्ध सत्य की कोई जगह नहीं है। हम जो पत्रकार हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि अगर कहीं पर कोई झूठ चलाया जा रहा है तो हम आप तक असली तस्वीर लेकर आए। राजनेताओं का यह फर्ज बनता है कि वो जनता तक झूठ ना पहुंचाएं, मगर भारतीय जनता पार्टी ये लगातार करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे संस्थागत बना दिया है, उसे मुख्यधारा का हिस्सा बना दिया है। भाजपा के नेता ये झूठ बोलते हैं और इनका गोदी मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बताता है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से 5 साल पहले जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और देश के गृहमंत्री नहीं थे, उन्होंने मंच से कहा था कि हमारे कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव के बारे में एक झूठ फैलाया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। यह झूठ था, यह झूठ वायरल हो गया और जनता यह कहने लगी, जो अपने पिता का ना हुआ वो हमारा कैसे होगा। ऐसा करना नहीं चाहिए था मगर ऐसा हुआ, यह बात अमित शाह ने कही थी दोस्त। खुलेआम मंच से वो ऐसी बातें कर रहे थे और इससे पता चलता है भाजपा की सोच। सुनिए आज से 5 साल पहले अमित शाह ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। अगर हमारे यहां एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी, उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बड़े ही से उसने मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम जी को चाटा था, अब मारा नहीं। नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय पत्र उसको नीचे भी डाल दिया। सब कुछ गिर गया। 10 बजते बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फॉर्म पर फॉर्म, भाई साहब मालूम है अखिलेश के पिताजी को चाटा मार दिया और जनता के लिए कैसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिला ने भी टूट पड़ी। चल रहा, ऐसा करना नहीं चाहिए।
मगर उसने एक प्रकार का माहौल दिया। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ऐसा मंच से कहना चाहिए? क्या उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए इस तरह की अपने कार्यकर्ताओं को? कायदे से उन्हें आलोचना करनी चाहिए थी, मगर आपने पूरा बयान सुना। इस पूरे बयान में उस झूठ की कहीं आलोचना नहीं, उल्टा वो कह रहे हैं कि इस झूठ से उन्हें फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मंच से खड़े होकर अंधविश्वास की बात करते हैं, विपक्ष पर ताना मारते हैं, विपक्ष को बदनसीब कहते हैं, कई बार गलत बयानी भी करते हैं। आपको याद है दिल्ली के चुनाव हुए थे, तब उन्होंने अपने विपक्ष को बदनसीब बता दिया था। उनका यह कहना था कि पेट्रोल के दाम अगर कम हो रहे हैं तो यह तो मोदी की किस्मत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करना शोभा देती है? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? तो देश का प्रधानमंत्री कभी गलत बयानी करता है विपक्ष के घोषणा पत्र के बारे में, कभी नसीब और बदनसीबी की बात करता है, और वो यहां तक नहीं रुकते हैं। याद कीजिएगा बंगाल के चुनावों के दौरान, इस वाले नहीं पहले वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि बंगाल का पुल हादसा हुआ ये भगवान का एक इशारा है। उनका ये बयान सुनिए दोस्तों कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से एक हादसे को एक जनता के कर्म, एक जनता के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, एक अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। आपको याद है ना गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था दोस्तों, जब गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था तब क्या उसे भी गुजरात की जनता के कर्मों का फल माना जाए या ईश्वर का इशारा माना जाए? मगर गुजरात की जनता ने फिर भी आपको छप्पर फाड़ वोट दिए थे क्योंकि वो आप में विश्वास करती थी। मगर क्या गुजरात की जनता की आलोचना की जाए? और मोरबी पुल हादसा गुजरात चुनावों के दौरान ही हुआ था जब चुनावी कैंपेनिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री इस तरह के अनर्गल बयान लगातार करते हैं, बार बार करते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। प्रधानमंत्री के आधे अधूरे बयान को जिस तरह से कर्नाटक में वायरल किया जा रहा है वो एक सबक है भाजपा के लिए। वो भाजपा जो अपने विपक्ष पर निशाना साधती है, विपक्ष भूल जाइए दोस्तों, मेरे जैसे पत्रकारों को इनका प्रचार तंत्र नहीं बख्शता। याद कीजिए आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, मैं मुजफ्फरनगर गया था, जनता से मैं इंटरव्यू कर रहा था, और उस वक्त इंटरव्यू करते करते मेरे पास एक किसान आया और उसने मुझे एक पर्चा दिया। वो पर्चा दरअसल एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी और उसमें वो बता रहा था कि देखिए दाम किस तरह से बढ़ गए हैं। मैंने उसे पढ़ा, रिपोर्टिंग करते हुए दोस्तों मैं उसे पढ़ रहा था, और मैंने उसे वापस थमा दिया। भाजपा ने मेरे उस क्लिप को वायरल किया जिसमें मैं वो पर्चा उसे वापस दे रहा हूं, यह कहते हुए कि अभिसार शर्मा कैमरे के सामने वहां की जनता को रिश्वत दे रहा है। ये भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल इस तरह के अंधभक्त हैं कि इन्हें यह भी कहते हुए शर्म नहीं आती कि मैं कैमरे के सामने किसी को रिश्वत दूंगा। तुम्हारी एजेंसीज ने मेरे तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाल लिया है, मेरी जिंदगी एक तपस्या है, तुम्हारे पास मेरी पत्रकारिता को लेकर कुछ नहीं है कहने को, इसीलिए तुम मेरे खिलाफ झूठ फैलाते हो। तो जैसे मैंने कहा ना, क्या नेता क्या पत्रकार, जो इनसे सवाल करता है इनके खिलाफ झूठ फैलाया जाता है। और अब ताजा खबर क्या है दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया की खबर देखिए, अमित शाह के भाषण के फेक वीडियो के खिलाफ एक्शन, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किसी भाषण का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जाहिर सी बात है ये फेक वीडियो है और अब इस फेक वीडियो को फैलाने वाले के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है। और कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा है 153/153A, 465, 469/171G आईपीसी और 66C IT एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो अक्सर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मंगलसूत्र को लेकर, कभी मुस्लिम लीग को लेकर गलत बयानी जो करते रहते हैं, कभी एक्सरे मशीन को लेकर जो गलत बयानी करते रहते हैं, क्या दिल्ली पुलिस यहां पर संज्ञान लेने की हिम्मत दिखाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। आज के इस कार्यक्रम का मकसद था एक सबक भारतीय जनता पार्टी का कि तुम अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो अब वक्त गुजरता जा रहा है, उधर का प्रचार तंत्र भी सक्रिय हो गया है, तुम जब झूठ फैलाओगे तो उसी झूठ के जाल में तुम भी फंसोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेलगावी में भाषण देते हैं, अब भी वो कर्नाटक पहुंच रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है प्रधानमंत्री तो इस खबर पर टिप्पणी कीजिए। प्राज्वल रेवन्ना हसन से सांसद बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 2000 वीडियोस हैं, जोरों से वायरल हो रहे हैं प्राज्वल रेवन्ना के खिलाफ। और यही नहीं, प्राज्वल रेवन्ना पोते हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, और न सिर्फ प्राज्वल रेवन्ना बल्कि HD रेवन्ना जो कि HD देवेगौड़ा के MLA बेटे हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है महिलाओं का उत्पीड़न, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट। वो वीडियोस सिहरन पैदा करने वाले हैं। मगर प्राज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया है, उसके गुनाहों की पुष्टि तो जाहिर सी बात है जांच के बाद होगी, मगर अब कर्नाटक सरकार ने SIT का गठन कर दिया है, मगर उससे पहले ही वो भाग गया। क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर टिप्पणी करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब चीजों के बावजूद इस व्यक्ति को टिकट मिला है। कर्नाटक के गलियारों में इस तरह के वीडियोस की चर्चा बहुत पहले से थी। अमित शाह उस बारे में जानते थे, भाजपा के तमाम नेता उस बारे में जानते थे, मगर बावजूद उसके प्राज्वल रेवन्ना को टिकट मिलता है। प्रधानमंत्री, क्या आप कर्नाटक में इस मुद्दे पर टिप्पणी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि महिला सम्मान को लेकर आपका रिकॉर्ड यानी कि बीजेपी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। आप बलात्कारी राम रहीम के प्रति सहानुभूति जतलाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर आपकी पार्टी में हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, मगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लंबी चौड़ी फहरिस्त है भाजपा के महिला सम्मान के ढकोसले की, प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? उनके पार्टी के नेता उन्हें करने ही नहीं देंगे। बहरहाल न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।